मेहमानों का, सभी अनुरक्षक और प्रतिभागियों का केंद्र विद्यालय नंबर 1 की में स्वागत है। इस वर्ष संभागीय स्तर की नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन केंद्रीय विद्यालय रुड़की को मिला है, जिसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा NCST के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की जो प्रतियोगिता है वो साइंस एग्जीबिशन से थोड़ी सी भिन्न होती है। साइंस एग्जीबिशन में हमारे बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं और फिर उन मॉडल्स के बेसिस पे कई तरीके की समस्याओं का समाधान निकालते हैं। NCST बेसिकली दो तरीके के प्रोजेक्ट्स इसमें बनाए जाते हैं, एक सर्वे प्रोजेक्ट और एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट। इसमें ज़्यादा फोकस जो है वो सर्वे प्रोजेक्ट्स को दिया जाता है। सर्वे प्रोजेक्ट्स में कुछ हम सैंपल्स लेते हैं और उस सैंपल का जो निचोड़ आता है उसको हम एप्लीकेबल करते हैं यूनिवर्सल। तो हमारे बच्चे कोई एक प्रॉब्लम सोसाइटी की जो हो उसको चूज करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम के आधार पर जो है कुछ प्रश्नावली बनाते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आम जनता से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर उसके आधार पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उस समस्या का समाधान भी होता है। इसके लिए कई तरीके की तकनीक्स बच्चे जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो जो क्वेश्चनेयर होता है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि समस्या का समाधान निकाला जा सके और फिर उसका जो सोल्यूशन निकलता है उसको सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल कर दिया जाए। इकोसिस्टम एंड हेल्थ, तो दो वर्ग में बच्चों को बांटा जाता है, एक जूनियर वर्ग है एक सीनियर वर्ग। जूनियर वर्ग में 14 साल तक के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और सीनियर वर्ग में 14 से लेकर 17 साल तक के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ये बच्चे कोई भी एक सब्जी सेलेक्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया जाता है और फिर अपने अपने मेथडोलॉजी के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, उसके बाद हाइपोथेसिस।